फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्रिएटिव लाउंज। आज मैं आपको इस तरह की क्रोशिए से डोरी और फ्लावर बनाना सिखाऊंगी। इस डोरी को मैंने 15 इंचेस तैयार किया है, जिसके लिए जो भी वूल आप यूज़ कर रहे हैं उस वूल के धागे को यहाँ से मेज़र करते हुए अप्रॉक्सीमेटली 1.5 मीटर हमें ले लेना है। मेज़र किए हुए पार्ट को हम इस तरह से लेंगे, फिर उसके बाद हमें यहाँ से इसको फोल्ड करना है। जो भी क्रोशिया आप वूल में यूज़ करते हैं ले सकते हैं। इस क्रोशिए को हम यहाँ पे ऐसे ले लेंगे और ये जो धागा है हमारा वूल जो हमारा गोले के साथ अटैच है, इसको हम यहाँ से पकड़ेंगे और उंगली पर ऐसे लपेट लेंगे। इस तरह से लपेटने के बाद अब ये जो हमने यहाँ पे क्रोशिया लिया है इसको ऐसे घुमाएंगे और इस तरह से घुमाने के बाद हम इस धागे को जो हमने उंगली पर लपेटा है ऐसे इसको पकड़ते हुए इस लूप में से निकाल देंगे। अब ये हमारा यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसके बाद अब हम डोरी को बुनना स्टार्ट करेंगे। ये जो हमारा धागा है जो हमने मेज़र किया था, इस धागे को ऐसे हमें क्रोशिए पर आगे से ऐसे लपेटना है। इस तरह से लपेटने के बाद फिर क्रोशिए से हमें इस धागे को ऐसे पकड़ना है और इन दोनों लूप्स में से इस तरह से निकाल देना है। फिर से अब हम इस धागे को क्रोशिए पर आगे से ऐसे लपेटेंगे और जो हमने उंगली पर लिया हुआ है धागा उसको ऐसे पकड़ेंगे, फिर से इन दोनों लूप्स में से हम निकाल देंगे। ऐसे हम इस डोरी को बनाते जाएंगे। इस धागे को आगे से हमें ऐसे लपेटना है, फिर इस धागे को ऐसे पकड़ते हुए इन दोनों लूप्स में से निकाल देना है। ऐसे हम इस डोरी की लेंथ को बनाते जाएंगे। इस डोरी को मैंने यहाँ तक बुन लिया है। ये मेरी 15 इंचेस तैयार हो चुकी है। आप अगर इससे बड़ी डोरी बनाना चाहते हैं तो जो धागा हमने स्टार्टिंग में ये 1.5 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली मेजर किया था, आप इसको एक्स्ट्रा ले सकते हैं। अब एंड में अगर हमारे पास डोरी की लेंथ बुन लेने के बाद ये धागा एक्स्ट्रा रह जाता है तो उसको हम यहाँ से कट कर देंगे। अब हमें एंडिंग देखिए इसकी कैसे करनी है। इस धागे को जो कि हम ऐसे लपेट रहे थे, इसको ऐसे पकड़ते हुए इस लूप में से हम निकाल देंगे। सिर्फ इस धागे को हमें निकालना है, जिससे ये हमारा यहाँ पे ऐसे सेट हो जाएगा और फिर यहाँ से भी इस थ्रेड को हम कट कर देंगे। अब हम इन दोनों एजेस को ऐसे पकड़कर एक नोट यहाँ पे लगा देंगे, जिससे ये बिल्कुल टाइट हो जाएगा। और इस तरह से अब हमारी ये डोरी कंप्लीट हो चुकी है। इसका फाइनल लुक आप देखेंगे इस तरह से आएगा। बहुत ही प्यारी डोरी आपकी बनकर तैयार होगी इस स्टाइल से अगर आप बनाते हैं तो। अब यहाँ हम इसके इस तरह के फ्लावर को बनाएंगे। इस फ्लावर को बनाने के लिए हम धागे को अपने फिंगर पे इस तरह से लपेट लेंगे। अब हम यहाँ पे क्रोशिए को इस तरह से रखेंगे ऐसे घुमाते हुए, फिर इस धागे को ऐसे पकड़ेंगे और इस लूप में से निकाल देंगे और पकड़कर टाइट कर देंगे। इसके बाद अब हम यहाँ पे 4 चेन्स बनाएंगे ऐसे धागे को पकड़ते हुए। इस लूप में से ऐसे हम निकालेंगे एक चेन, ये बन गई। इसी तरह से 3 और हम बना लेंगे, 2, 3 और ये 4। टोटल हमें ये 4 चेन्स बनानी है। अब ये चेन्स बनाने के बाद जो हमारी फर्स्ट चेन है इसमें से ऐसे क्रोशिया डालते हुए धागे को ऐसे पकड़ेंगे, इसमें से निकालेंगे और फिर यहाँ से इस वाले में से निकालेंगे। तो ऐसे हमारा ये छोटा सा सर्कल बन जाएगा। अब इस सर्कल में डालते हुए क्रोशिए को हमें 11 टाइम सिंगल क्रोशिया करना है। जैसे अब हम क्रोशिए को ऐसे इस सर्कल में डालेंगे, धागे को ऐसे पकड़ेंगे, फिर सर्कल में से एक लूप बन जाएगा हमारा ऐसे और फिर इस धागे को फिर पकड़ेंगे और इन दोनों लूप्स में से निकाल देंगे। ये हमारा 1 टाइम सिंगल क्रोशिया हो गया है। इसी तरह से हमें 10 बार और करना है। टोटल 11 हमें सिंगल क्रोशे करने हैं। फिर से हम इस होल में डालेंगे, धागे को ऐसे पकड़ेंगे, इसमें से ऐसे निकालेंगे लूप को और फिर धागे को इस तरह से पकड़ते हुए इन दोनों में से निकाल देंगे। ऐसे ही हम टोटल 11 टाइम्स कर लेंगे। इलेवन टाइम सिंगल क्रोशिया कर लेने के बाद अब फाइनल लास्ट में हम यहाँ पे स्लिप स्टिच करेंगे। ये जो चेन है नेक्स्ट
इसमें ऐसे क्रोशे को डालते हुए यहाँ से इस धागे को ऐसे पकड़कर इस लूप में से निकालकर स्लिप स्टिच कर देंगे। ऐसे हमारा ये सर्कल तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे ये जो पीकॉट्स हमने बनाए हैं इनको बनाएंगे। इनको बनाने के लिए अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। इसको पहले 3 चेन्स बनाएंगे, 1, 2 और ये 3। 3 चेन्स बनाने के बाद इसी होल में हम ऐसे क्रोशिया को डालते हुए सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से ये पीकॉट हमारा बन गया। इसके बन जाने के बाद अब नेक्स्ट चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे और ऐसे धागे को पकड़ते हुए सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इसके बाद फिर से हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1, 2, 3। 3 चेन्स बनाने के बाद अब इसी होल में दोबारा से क्रोशिया को डालते हुए हम यहाँ सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से ये भी हमारा बन गया है। इसी प्रोसेस को अब हम रिपीट करते जाएंगे। फिर नेक्स्ट चेन में हम ऐसे क्रोशिया को डालते हुए सिंगल क्रोशिया कर देंगे। इस तरह से अब फिर 3 चेन्स हम बनाएंगे। 3 चेन्स बनाने के बाद फिर से इसी होल में डालते हुए हम सिंगल क्रोशिया कर देंगे। तो ऐसे हमारे ये पीकॉट्स बनते चले जाएंगे। इसी तरह से हम यहाँ तक इनको बना लेते हैं। यहाँ तक मैंने इसको बना लिया है। अब लास्ट में हम स्लिप स्टिच करके और इसको कंप्लीट करेंगे। ऐसे हम चेन में डालते हुए इस तरह से इसको कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ से इस थ्रेड को कट कर देंगे। अब इस फ्लावर को हम यहाँ पे डोरी के एज पे नीडल के थ्रू स्टिच कर देंगे। तो वो जो स्टिचिंग आपको करनी है, एक साइड तो आप वैसे स्टिच कर लें पहले से ही, लेकिन दूसरी साइड जब आप इस तरह से शू में इन होल्स में डालकर सेट कर लेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पे इस फ्लावर को सेट करते हुए स्टिच करें। तो इससे क्या होगा कि अगर हम पहले स्टिच कर देंगे इसको तो ये होल्स में नहीं डल पाएगा, तो दूसरे एज को फ्री रख के तभी हम बाद में यहाँ पे इसको स्टिच करेंगे। ये और सारा प्रोसीजर मैंने इन शूज़ में ऑलरेडी आपको बताया है कि कैसे हमें इन होल्स में डालकर इसको यहाँ पे स्टिच करना है। तो इस तरह से हमने ये डोरी और इन फ्लावर्स को रेडी किया है। अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।